अच्छा बेटा, आज हमारा जो चैप्टर है वो है पार्टीशन। ठीक है, जो हमने कहाँ से शुरू करना है बेटा, पार्टीशन। ठीक है, अच्छा इसमें बेटा अगर आप शुरू में देखोगे ना पार्टीशन के, कोई भी ज्वाइंट ओनर जो है ना, ज्वाइंट ओनर ठीक है, किसी भी लैंड का ठीक है, अपने शेयर की हद तक ना टेन टू शेयर में अप्लाई फॉर द पार्टीशन भी टू द रेवेन्यू। कि कोई भी जो आपका शेयर है, जो खाता है आपका, यानी खाता नंबर 110 है, 110 में से 200, 110 में 5-6 लोग हैं जिनके उस खाते में रकबे हैं, जमीने हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक शख्स ठीक है क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है किस चीज़ के लिए, फॉर द पार्टीशन। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, और उस सबसे बड़ी बात बेटा, बात ये है कि जब उसने एप्लीकेशन देनी है ना किस चीज़ के लिए, आपकी एप्लीकेशन देनी है फॉर पार्टीशन, ठीक है, एट दी पार्टीशन के लिए। पार्टीशन के लिए, ठीक है, जब जिस दिन वो एप्लीकेशन दे रहा होगा ना, जिस दिन वो एप्लीकेशन दे रहा होगा, उस दिन उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, जो कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, ठीक है, उसमें उसका शेयर होल्डर होना मैंडेटरी है। यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के मुताबिक अगर वो शेयर होल्डर है, उसकी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में शो हो रही है, तो ये उसके लिए मैंडेटरी है। अच्छा, उसके बाद बेशक उसका जो शेयर है ठीक है, यानी कि उसका बाई द वे ऑफ डिक्लेरेशन आया है, उसका किसी अदालत ने उसको मालिक बनाया, तब अगर वो किसी पहले रिकॉर्ड में वो मालिक था, तो जिस दिन उसने पार्टीशन के एप्लीकेशन देनी है ना, तो वो क्या कर सकता है, याद रखिएगा, पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, दो बातें अब आ गई, पहली बात कि कोई भी ज्वाइंट ओनर, ठीक है, और दूसरी बात ये आ गई कि जब भी बेटा उसने अप्लाई करना है ना इसके लिए, पार्टीशन के लिए, अब ये याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आज हम ये शुरू कर रहे हैं पार्टीशन को। ये सबसे, अगर आपके रेवेन्यू में प्रैक्टिस चलती है ना, तो 90% इस चैप्टर की चलती है, पार्टीशन की। तो ये बात आप माइंड में रखिएगा, समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, अब अगली बात आ गई बेटा दूसरी, कि बेशक आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन जो 44 है, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेटरी डिग्री लेके आप आए, तो आप मालिक बन गए, ठीक है, तो उसमें जाके आपने अपना टाइटल क्लेम करना है, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो पार्टीशन की। तीसरी बात ये बेटा, बड़ी फेमस सी, कि बेशक आपका उस रिकॉर्ड में इंदराज है या नहीं, ठीक है, उस आप रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, ये पेरियोडिकल रिकॉर्ड में आप शो हो रहे हो या नहीं हो रहे, ठीक है, लेकिन बाई द वे ऑफ, इट इज एडमिटेड बाई द वे ऑफ पीपल, ठीक है, या इसको माना गया, जैसे लोग कहते हैं हाँ ये घर फिलहाल बंदे का है, कब्जा बेशक किसी और का है, ठीक है, कब्जा बेशक जहद का है, लेकिन इसका मालिक जो है वो अजान है, ठीक है, अजान साकिब है, जो कि 50 साल पहले यहाँ से चला गया था, लेकिन जो प्रॉपर्टी नाम पड़ी हुई है, या प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है या नहीं है, इससे पहले जो नाम आता है वो अजान साकिब का नाम था, कि जी अजान पहले यहाँ पर रहता था और अजान इसका मालिक था, ठीक है, यानी कि जो लोग उसको बेशक एडमिट करते हैं या डिनाई करते हैं, ठीक है, लोगों की किसी भी सूरत में वो क्या करते हैं, कोई भी प्रिजम्पशन होती है, तो उसकी बुनियाद पे भी आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन है दे सकते हो। ये तीन लोग, अब तीन ग्राउंड्स आ गए किसके लिए, फॉर दी एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन, समझ आ गई, जो सेक्शन में पहली बातें बताई गई हैं, वो तीन लोग आ दिए गए जो क्या करते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर दी पार्टीशन। अब इस पे सम सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस हैं, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी की पार्टीशन हो सकती है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी की पार्टीशन है नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। पहली बात उसने लिखी है प्लेस ऑफ वर्शिप एंड बुरियल प्लेसेस, ग्राउंड्स, ठीक है, कॉमन प्लेसेस, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज जो आपकी कॉमन लैंड है, कोई पार्क वगैरह है, या जो लोगों ने रखी हुई है फॉर द पर्पज ऑफ कॉमन यूज, तो उसकी पार्टीशन नहीं होगी, नंबर वन, ठीक है बेटा। पार्टीशन किस किस प्रॉपर्टी की नहीं होगी, पहली बात ये आ गई कि जो है अल्लाह आपका भला करे, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि प्लेस ऑफ वर्शिप है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो या दूसरी चीज ये कि जो आपकी बेटा क्या चीज है, आपकी बुरियल प्लेस है यानी ग्रेवयार्ड है, या आपकी कोई एक ऐसा ग्राउंड जो कॉमन है, ठीक है, जो पार्टीशन से पहले आप समझते हो कि ये कॉमन यूज, कॉमन मकासद के लिए क्या होती थी, इस्तेमाल होती थी, ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है आप पार्टीशन के जुमरे में नहीं ला सकते, ठीक है बेटा। नंबर टू जो इस लिखे है, आपकी पार्टीशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, नंबर वन, एनी यानी कि कोई आपका वाटर कोर्स है, कोई एम्बेंगमेंट है, या आपका कोई कुआं है, या कोई टैंक है, ये जैसे आप समझते हो सप्लाई ऑफ द वाटर है, ठीक है,
जितने भी आप ये इनमें से कोई भी वाटर की यानी कि कोई आपका बंद है, आपकी सप्लाई है, आपकी कोई भी चीज जो इसने जिक्र कर दी है सब सेक्शन टू में इसकी ए कैटेगरी में कि कोई इम्बैंकमेंट है, कोई आपका वाटर कोर्स है, आपका कुआं है, टैंक है, आपकी कोई भी लैंड विच इज लेट यूज फॉर द वाटर सप्लाई, तो आप उसकी पार्टीशन के लिए नहीं जा सकते। तो जैसे नहरें हैं आपके, खाल वगैरह हैं, तो इसकी पार्टीशन नहीं हो सकती। उसके बाद बेटा नंबर टू है कोई कॉमन लैंड, कोई ग्रेजिंग लैंड जिसे हम कहते हैं चरागा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं चरागा। अच्छा, उसके बाद तीसरी बात है एनी लैंड विच इज ऑक्यूपाइड एज अ साइड टाउन, जिसे हम आबादी दे कहते हैं, जो प्रॉपर्टी आपको गवर्नमेंट ने दी होती है, ठीक है, एज अ साइट ऑफ द टाउन और विलेज। समझ आ गई बात की? अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये है बेटा कि जब कोई शख्स क्या करता है उसको रिफ्यूज इसको किया जा सकता है, जब रेवेन्यू ऑफिसर के ओपिनियन में ये हो कि जब भी ये कोई शेयर या जितने भी वारसान है ना, इनकी जो है ये पार्टीशन क्या करेगी, कोई इनकन्वीनियंस करेगी, कोई लड़ाई या झगड़े के बहस बनेगी, ठीक है, तो तब भी रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है, उस पार्टीशन को रिफ्यूज कर सकता है। तो ये तो पहला सेक्शन है बेटा, ठीक है, कि कौन कौन शख्स जो है पार्टीशन के लिए अप्लाई कर सकता है और कौन कौन शख्स जो है वो एप्लीकेशन है नहीं दे सकता, किसके लिए, पार्टीशन के लिए। समझ आ गई बेटा? ये है सेक्शन 135। समझ आ गई बेटा बात की? कौन सा सेक्शन है जी 135, कि एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है और किस किस प्रॉपर्टी की पार्टीशन नहीं होगी। तो पहले आपने हेडिंग दे लेनी है प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है बेटा, कि प्लेस ऑफ वर्शिप पर बुरियल प्लेसेस और कॉमन है वो ग्रेजिंग लैंड, ठीक है बेटा, इसकी पार्टीशन नहीं होगी, इसकी पार्टीशन नहीं होगी। उसके बाद नीचे उसने लिखा है कि पार्टीशन ऑफ द फॉलोइंग, जो उसने लिख लिया कि कोई भी एक ऐसी लैंड जो कि फॉर द पर्पस ऑफ वाटर सप्लाई, वेल, टैंक, एम्बैंकमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसकी पार्टीशन नहीं होगी। समझ आ गई? उसके बाद थर्ड, कॉमन लैंड और ग्रेजिंग लैंड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जैसे आपको बता रहा हूँ कि देहातों में गवर्नमेंट ने बनाई होती है चरागाह बनाई होती हैं और ये फार्म्स वगैरह होते हैं, जैसे कि जिला लहिया में अंगूरी फार्म्स हैं, तो इनकी पार्टीशन नहीं होगी। उसके बाद आबादी दे, जो आपको बता दिया कि ऐसी प्रॉपर्टी जो किफायती पर्पज ऑफ क्या की गई है विलेज है वो साइट के लिए इस्तेमाल हुई है, ठीक है बेटा, उसकी पार्टीशन नहीं होगी। उसके बाद आखिरी बात, मेन बात, जो अगर इफ इट इज इन द ओपिनियन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर दैट सच पार्टीशन विल कॉज द इनकन्वीनियंस अमंग द पार्टीज, ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा ये जो आपकी पार्टीशन होगी ये नहीं कर सकता आपका रेवेन्यू ऑफिसर। तो तीन बातें आ गई, तीन लोग अप्लाई कर सकते हैं और छह लोग जो हैं उनकी जो है वो लिमिटेशन है, अगर ये छह कैटेगरीज आपकी आती हैं तो बेटा आप उनकी पार्टीशन अप्लाई नहीं कर सकते, उसकी पार्टीशन नहीं होनी, ठीक है बेटा। अब बात आ गई बेटा नेक्स्ट कि जब पार्टीशन की एप्लीकेशन आप सपोज समझते हो कि एक्सेप्ट हो गई आपकी, यू हैव मेक एन जो है आपने एप्लीकेशन दी रेवेन्यू ऑफिसर को कि जो मैं ज्वाइंट शोल्डर हूँ उसका फिलहाल खाता नंबर फिलहाल फिलहाल का खेवड़दार हूँ, अच्छा, तो इसकी जो है मेरे हिस्से के मुताबिक तकसीम की जाए, और लोग पंजाबी में से कहते हैं रंग भरवा लिए हैं आपने, क्या करवा लिए हैं आपने, रंग भरवा लिए हैं रंग, ठीक है बेटा, रंग से मुराद ये होता है बेटा कि मैंने तकसीम करवा के जितना मेरे शेयर बना था मैंने उसमें नक्शा जो मसावी थी जो मेरा ये शजरा था उसमें मैंने अपने उसके मुताबिक ही क्या करवा लिया इसको रंग भरवा ली, यानी कि मैंने अपने हिस्से का जो मेरा शेयर था मैंने हासिल कर लिया। समझ आ गई बेटा बात? अच्छा, अब बात आती है कि जब आपने एप्लीकेशन दे दी और आपकी एप्लीकेशन होगी एक्सेप्ट बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, एप्लीकेशन क्या हो गई रेवेन्यू ऑफिसर साहब ने एक्सेप्ट कर ली, तो बेटा अब अगला पोर्शन जो है सेक्शन 136 में उसने लिख दिया, ठीक है, कि व्हेन द एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सेक्शन 135 ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये देखेगा वेस्ट पाकिस्तान लैंड रिफॉर्म रेगुलेशन 1959, ठीक है, और मार्शल लॉ रेगुलेशंस नंबर 64 के किसी प्रोविजंस की कोई ये अगेंस्ट तो नहीं है, जो एप्लीकेशन आई है मेरे पास किस चीज़ की, वाला मेरे पास जो एप्लीकेशन आई है एप्लीकेशन की क्या वो इन तमाम प्रोविजंस की क्या है भला मुनाफी तो नहीं करता। समझ आ रही है बेटा बात की? कि कोई भी एप्लीकेशन जो पार्टीशन की उसने दी है तो क्या वो इन तमाम बातों के मुनाफी तो नहीं है, ठीक है, अच्छा,
समझ आ गई बेटा बात की। उसके बाद वो कहता है कि जब व्हेन द एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर विल फिक्स द डेट। जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो क्या करेगा, उसकी दिन फिक्स करेगा और बोथ पार्टीज को बकायदा नोटिस दे के बुलाएगा, जो कि उस खाते में जितने भी शेयर होल्डर हैं, समझ आ गई। अब यानी कि खाता नंबर 450 है, उसमें टोटल 70 करोड़ रकबे, ठीक है, 70 करोड़ रकबे में जितने मालकान हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, इंटीमेट करेगा, नोटिस देगा, ठीक है, कि जनाब आपने इस दिन को क्या करना है, तशरीफ लेके आनी है ताकि मैं आपको सुन सकूं। समझ आ गई बेटा बात की। इसके साथ ही पार्टीशन का एक एक्ट है बेटा, पार्टीशन एक्ट 1956 या 1958, इसके मुताबिक भी पार्टीशन होती है पाकिस्तान में, जो आजकल एप्लीकेबल है पाकिस्तान में, ये भी याद रखिएगा, पार्टीशन एक्ट 1956 और 1958 ये सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, इसका ईयर आप डिटरमिन कर लीजिए। अच्छा, जब नोटिस के जरिए वो समझता है कि नहीं हुआ, तो उसके पास ये भी राइट है सब क्लोज बी में कि बाय द वे ऑफ प्रोक्लेमेशन, ठीक है, तो जो शख्स क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस खाते में क्या है भला शेयर होल्डर है, ठीक है, यानी कि जिसकी जिसको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि जिसे हम कहते हैं पब्लिक रफ़ आम के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, उसने देनी है इंफॉर्मेशन, तो बाई द वे ऑफ, एक तो पहली बात कहता है कि अगर पार्टीज हैं तो उनको बाई द वे ऑफ नोटिस भी इंटीमेट कर सकते हैं, जहाँ पे लोग ज्यादा हैं, जहाँ पे लोग ज्यादा हैं तो वहाँ पे ये कहता है जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के इंटरेस्ट है वहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वहाँ पे ये रेवेन्यू ऑफिसर प्रोक्लेमेशन भी करवा सकता है, ठीक है, जिसका कोई भी जिसका उस खाते में जिसकी वो पार्टीशन करने जा रहा है उसका कोई ना कोई हक बनता है, कोई ना कोई शेयर बनता है, ठीक है, तो उसको बाई द वे ऑफ प्रोक्लेमेशन भी वो क्या कर सकता है, उसको कर सकता है, यानी कि मनादिक जो प्रोक्लेमेशन के हमने मोड्स पढ़े थे उस अंदाज में ये क्या कर सकता है। अच्छा, इसके बाद याद रखिएगा बेटा कि एक रेवेन्यू ऑफिसर के पास वो तमाम इख्तियारात होते हैं, ठीक है, जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होते हैं, यानी कि ये जो एप्लीकेशन होगी दैट शैल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेंट, ठीक है, यानी कि जिसे हम दावा कहते हैं कि जो आपने एप्लीकेशन दी है ना तकसीम के लिए, ठीक है, किसके लिए दिए आपने, तकसीम के लिए दिए, आपने तकसीम के लिए दिए, तो याद रखिएगा बेटा ये आपकी क्या कंसिडर होगी एज अ प्लेंट, नंबर वन। उसके बाद अगर आपका समझता है कि जो पार्टी है जिसको बुला रहा है कि जनाब आपका जिसके खिलाफ आपने दी है या जिसने एप्लीकेशन दी है वो बाद में रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश नहीं होता, तो इसके पास उसको एक्सपर्टी डिसाइड करने का भी इख्तियार है। एक्सपर्टी से मुराद ये है बेटा कि यक तरफा प्रोसीडिंग्स भी ही कैन इनिशिएट द एक्सपर्टी प्रोसीडिंग्स, मीन कि वो अगर एक पार्टी आती है तो उसको सुन के फैसला कर सकता है, बेशक दूसरी पार्टी आती है तब या दूसरी पार्टी नहीं आती तब भी, समझ आ गई बेटा बात की, तो उसको सुन के भी ये फैसला कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें जो आपका सेक्शन बेटा 138, ठीक है। अच्छा, अब व्हेन द डेट हैज बीन फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द बोथ पार्टीज अंडर सेक्शन 137 ऑफ दिस एक्ट के, यानी कि मैंने एप्लीकेशन दी पार्टीशन की बी के खिलाफ, मैं ए और बी के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी कि मेरा जो ये शेयर लेके भाग रहा है और मुझे पार्टीशन तकसीम करके जो मेरी ये प्रॉपर्टी है ना मुझे ग्रांट कर दी जाए, मुझे दे दी जाए, ठीक है बेटा, मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दी जाए, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें ये कहता है कि एट द टाइम फिक्स्ड, जो टाइम हेयरिंग के लिए फिक्स था, ठीक है, जो मैंने अर्जन किया होगा, जो मैंने बकायदा उसको दिन दिया होगा कि मैंने इस दिन सारी पार्टीज को सुनना है, मैंने उस दिन पार्टीज को सुनना है, तो बेटा याद रखिएगा अगर उस दिन कोई शख्स, कोई भी शख्स जो कि मेरी एप्लीकेशन में फ्रीक था या नहीं था, फ्रीक था या नहीं था, फ्रीक था या नहीं था, लेकिन उसका उस खाते में उस रिकॉर्ड में उसका कोई इंटरेस्ट था, उसका कोई इंटरेस्ट था, देन द सच एग्रीव पर्सन में अप्लाई एंड कैन पार्टिसिपेट इन टू द सच पार्टीशन। अगर सपोज हम ये कहते हैं कि मैं जो था मुझे पता ही नहीं था कि मैं जो मेरी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, मेरे दूसरे जो शेयर होल्डर हैं, जो मेरे दूसरे खातादार भाई हैं, मेरे को शाफी शरीक हैं, ठीक है, वो क्या करवा रहे हैं, उसकी पार्टीशन करवा रहे हैं, ठीक है, और मुझे पता ही नहीं, तो मुझे ये पता चल जाता है कि फिलहाल तारीख है और उस दिन वहाँ पे सुनवाई होनी है,
तो मैं वहां पे क्या करूंगा, पहुंच जाऊंगा और वहां पे एप्लीकेशन दे के मैं उस कार्रवाई का हिस्सा बन सकता हूँ, मैं उस कार्रवाई का हिस्सा बन सकता हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा जैद, इसके बाद सेक्शन 139 है आपकी बुक में जी, ये जो बुक है उसमें ये चेक करो कि 139 है। हाँ जी अजान, ये 139 है आपकी बुक में। अच्छा अब सेक्शन आ गया बेटा 139, दिस अलाउंस ऑफ द पार्टीज। अच्छा, व्हेन द एप्लीकेशन फॉर द पार्टीशन हैज बीन मेड, व्हेन द एप्लीकेशन, अब ये जो नई किताबें हैं ना बेटा, नई किताबें ठीक है उसमें गालबन ये नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये पहले जो पुरानी किताब उसमें ये था लेकिन अब इसमें नहीं है, कि जब कोई रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन दी जाती है, जब भी किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन दी जाती है ठीक है, तो आफ्टर द एग्जामिनेशन, कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन, द सच रेवेन्यू ऑफिसर मे रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीशन, बट इट इज मैंडेटरी फॉर सच रेवेन्यू ऑफिसर टू रिकॉर्ड द रीजंस, टू रिकॉर्ड द रीजंस ऑफ हिज रिजेक्शन। ठीक है, उसकी बकायदा क्या लिखेगा, बकायदा उसकी रिजेक्शन लिखे, लेकिन ये उमिट हो चुका है नई किताब में, लेकिन नीचे अब मैं ब्लंडर बता दूं आपको, जो पुरानी किताब उसमें लिखा, सिविल कोर्ट हैज नो पावर टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 139। यहाँ पे उसने लिख दिया कि अगर सिविल कोर्ट के पास सेक्शन आती है ना ये जाती है, तो ये एक अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉ था, जो इन्होंने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया है, ये नई किताबों में नहीं होगा। समझ आ गई बेटा बात की? ठीक है, तो ये चीज मैं पढ़ाना को जरूरी नहीं समझता। अब सेक्शन आ गया सेक्शन 140, सेक्शन कौन सा आ गया 139 बेटा, नई किताबों में ओमिट है, मुझे दोस्तों की ये मैसेज आ रहा है ठीक है, लेकिन पुरानी किताबों में है डिसअलाउंस ऑफ द पार्टीशन। ठीक है, कि जो है मैंने आपको बता दिया कि आपका जो है रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है, आपकी एप्लीकेशन जो है किस चीज की, पार्टीशन की, इसको रिजेक्ट कर सकता है, और जब रिजेक्ट करेगा तो उस रिजेक्शन के क्या लिखेगा, ग्राउंड्स लिखेगा, उस रिजेक्शन के क्या लिखेगा जी, ग्राउंड्स लिखेगा। समझ आ गई बात की? और बकायदा इसमें उसने ये रीजनिंग देनी है, रीजंस बताएगा कि मैंने किन किन ग्राउंड पे जो है वो उसको एग्जामिन किया, और इन इन ग्राउंड पे मैंने क्या किया, जो एप्लीकेशन थी पार्टीशन की उसको क्या किया, रिजेक्ट किया। ठीक है बेटा, इसके बाद सब सेक्शन 2 उसमें लिखा कि सिविल कोर्ट हैज नो पावर टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 139। अब कहते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास इख्तियार है कि वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन जी सिविल कोर्ट के पास इख्तियार है नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने इसको क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है, दैट वाज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ द लॉ। समझ आ गई बेटा बात? उसके बाद इसी सेक्शन 139 में उन्होंने सब क्लोज पहले लिखी हुई थी, रेवेन्यू ऑफिसर इज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसअलाउ द पार्टीशन अंडर सेक्शन 139 की, वह अथॉरिटी कौन सी आपकी है, ये रेवेन्यू ऑफिसर है जो इसको क्या कर सकता है, डिसअलाउ कर सकता है, किसको भला, आपके एप्लीकेशन फॉर द पार्टीशन। लेकिन ये सेक्शन बेटा ओमिट हो चुका है ठीक है, लेकिन बताना पढ़ाना मैंने था कि ये दैट इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ द लॉज। अब मैंने जो चीज मेन पढ़ानी है वो है सेक्शन आपका 140, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रोसीजर ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, पहली बात ये कि व्हेन द एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, व्हेन द एप्लीकेशन व्हिच हैज बीन रिजेक्टेड अंडर सेक्शन 139। ठीक है, तो रेवेन्यू ऑफिसर विल मेक द क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं ना सवाल नामा, ठीक है, जो तमाम जो है वो चीज़ें जो उसने रिजेक्ट की थी, तो वो बकायदा उसको क्या एक बनाएगा, एक सवाल नामा, और वो सारी जो बातें एप्लीकेशन में थी उनके ग्राउंड, वो सारी बातें उसको क्या लिखेगा, जिक्र करेगा बकायदा। ठीक है, अब यानी कि जब उसकी एप्लीकेशन उसने पढ़नी है ना, कि मैंने सपोज कहा कि मैं ये मालिक था, ये खाता नंबर, जब जो जो पॉइंट मैंने यानी कि अपनी प्लेट में जो मैंने, मैं ऐसे कह सकता हूँ इस सेक्शन को फ्रेम करेगा, इश्यूज फ्रेम करेगा कि कौन कौन से जो बोन ऑफ कंटेंशन हैं, किन किन बातों पे झगड़ा है पार्टीज का। समझ आ गई बेटा बात की? उनको क्या करेगा, फ्रेम करेगा, उनको क्या करेगा, फ्रेम करेगा। ठीक है, अब पहली बात उसने क्या करना है कि उसने जब दरख्वास्त पढ़ी होगी ना, उसको एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करने के बाद वो पहली बात उसने जो डिटरमिन करनी है ना, जो इश्यूज फ्रेम करेगा, पहला उसने ये फ्रेम करना है, क्वेश्चन एज टू टाइटल इन द प्रॉपर्टी।
टाइटल से मुराद जो मालिक है किसके नाम थी, ठीक है। दूसरा बात उसने क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन एज टू प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड, ठीक है, कि यानी कि प्रॉपर्टी जो है ये किन किन के दरमियान अब तकसीम होनी चाहिए, कौन कौन इसका मालिक है। उसके बाद जो है वो मोड ऑफ मेकिंग पार्टीशन के किस अंदाज में मैंने जो है इसकी क्या करनी है, आपका अल्लाह भला करे पार्टीशन मुकम्मल करनी है, मैंने क्या करनी है पार्टीशन इस अंदाज में मुकम्मल करनी है। तो इस अंदाज में बेटा यानी कि जो ये प्रोसीजर ऑन द एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इस जो बातें मैंने आपको तीन बताई हैं, ठीक है, कि जब एप्लीकेशन उसकी मान ली जाएगी, उसकी एप्लीकेशन मान ली जाएगी, व्हेन द एप्लीकेशन फॉर द पार्टीशन हैज बीन एडमिटेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर विल मेक ए स्केच, इन अदर वर्ड यू कैन से सवाल नामा बनाएगा, एक ग्राउंड्स बनाएगा कि मैंने इस एप्लीकेशन को सुनना कैसे कैसे, वो तमाम कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन देखने के बाद एक स्केच तैयार करेगा, ठीक है, कि मैंने किस किस चीज को इस एप्लीकेशन में टैकल करना है। तो ये तीन कैटेगरीज मैंने आपको बता दी है, पहली मैंने बताई क्वेश्चन एज टू द टाइटल इन द प्रॉपर्टी, दूसरा क्वेश्चन एज टू प्रॉपर्टी एज डिवाइडेड, यानी कि क्वेश्चन एज टू प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मोड ऑफ मेकिंग पार्टीशन के, इसने जो है वो पार्टीशन करनी कैसे कैसे, तो ये बातें देखने के बाद बेटा ये बना लेगा एक अपना फाइल बन जाएगी जिसे हम कहते हैं मिसल। मिसल बनाने के बाद ये फिर जो सवाल बनाएगा उसके मुताबिक जो है ये इस चीज को लेके चलेगा। अच्छा अब बेटा 141 ओमिटेड है या है, जी अजान मियां जाहिद आप सुन रहे हो बेटा, तो आप ये आपको मैक खुला हुआ है आपका मैक, आप मुझे बता दो जाहिद, जी जाहिद मियां ये 141 है या ओमिटेड है, जाहिर ये 141 है या ओमिटेड है, सर 141 है सर, 141 डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चन एज द टाइटल इन द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड, जी सर है नई किताबों में जी, जी जी सर मेरे पास जो बुक है उसमें तो है, अच्छा इसके बाद बेटा सेक्शन है आपका 141, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ द क्वेश्चन एज टू द टाइटल इन द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड, ठीक है, जब मामला लेन देन का होगा किस चीज का टाइटल का, कि ये प्रॉपर्टी किसकी मलकियत है, ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी जब यानी कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये किसने करना है, आपका जो रेवेन्यू ऑफिसर है इस मामले को डिटरमिन नहीं करेगा, यानी कि जब आपका मामला होगा किस चीज का डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग द, इसको इन्होंने ओमिट किया होगा, जो नई बुक है ये उसमें ये ओमिट हुआ होगा, लेकिन बात ये है बेटा, पहली बात आपको बता दूं कि व्हेन इज डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी हु इज द रियल ओनर ऑफ द लैंड, तो द रेवेन्यू ऑफिसर विल डिक्लाइन द मैटर एंड रेफर इट टू द, ठीक है, सिविल कोर्ट, तो ये मामला किसको भेजेगा कि जनाब आप जाएं सिविल कोर्ट में और आप इस बात का डिस्प्यूट जो है डिटरमिन करवा कर लाएं कि आप मालिक हैं या नहीं है, समझ आ गई बात की बेटा, जब यानी कि आपका मामला होगा किस चीज का टाइटल का, आपकी ओनरशिप का मामला होगा कि क्या वेदर आप मालिक हैं या नहीं है, तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के कहाँ जाना है जी, सिविल कोर्ट में, ये मामला वो आपको रेफर कर देगा और वहां पे जाके आपने अपनी मलकियत शो करवानी है और वहां से आपने कोर्ट का फैसला लेके आना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब रेवेन्यू ऑफिसर खुद उस केस को हैंडल नहीं करता, जब आपका रेवेन्यू ऑफिसर इस चीज को हैंडल नहीं करता, ठीक है बेटा, और वो जब मैटर लिखता है आपका, इसको रेफर करता है आपका सिविल कोर्ट को, तो जो अपना वो ऑर्डर करेगा, जब वो उसको रेफर करने के लिए कहेगा, तो याद रखिएगा ही इज बाउंड टू मेक द रीजंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सूट, ठीक है, तो जब उसका वो टाइटल का फैसला, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर रहे, ठीक है, उसकी लिमिटेशन जो है वो 90 डेज है, ठीक है,
यानी कि उस टाइम तक जो है वो फैसला नहीं करेगा जब तक सिविल कोर्ट उसकी जो है उसको फैसला करके नहीं भेज देती। ठीक है, बकायदा ये याद रखिएगा, आपके पास जो लिमिटेशन है ना टू डिटरमिन द टाइटल, ठीक है, वो है 90 दिन। ठीक है, आपने 90 दिन के अंदर अंदर एक सूट फाइल करना है। ठीक है, यानी कि आज आपने एप्लीकेशन दी, ठीक है, और आपको सिविल रेवेन्यू ऑफिसर है वो भेज दिया किसके पास, सिविल कोर्ट के पास, यानी कि तो सिविल कोर्ट के पास जाने के लिए आपने 90 दिन के अंदर अंदर जाके आपने जाने जाना है, वहां पे आपने करना है। ठीक है, और जब तक आपकी सिविल कोर्ट फैसला नहीं कर देगी, जब तक आपकी सिविल कोर्ट फैसला नहीं कर देगी, अनटिल अनलेस द डिसीजन हैज बीन मेड बाय द कोर्ट रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, उस टाइम तक जो है जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो तमाम प्रोसीडिंग्स को क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा, समझ आएगी। और जब तक आप उस सिविल कोर्ट की डिसीजन की कॉपी लेके आप रेवेन्यू ऑफिसर के पास नहीं आते तो उस टाइम तक वो रेवेन्यू ऑफिसर उसका फैसला नहीं करेगा और आपका सूट जो है वो स्टे कर देगा, यानी कि रोक दिया जाएगा, समझ आएगी बात की। इसके बाद इसी में आखिरी जो है इसने लिखा कि जब अगर पार्टी हैज बीन फेल्ड टू फाइल इन सूट विद इन द 90 डेज, विद इन 90 डेज, तो उसका जो फैसला है वो रेवेन्यू ऑफिसर एज जो आपको क्या करेगा, इसका फैसला करेगा। ठीक है, एज इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुआ मेरे पास अब मिस है, सब क्लोज 4 है ना जी, सब क्लोज 4 किस चीज़ की, 141 की सब क्लोज है। ठीक है, उसमें वो क्या करेगा, इसका अगर पार्टी 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो सिविल कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकती और वो फेल हो जाती है तो याद रखिएगा तो उसका फैसला वो खुद कर सकते हैं। जब रेवेन्यू ऑफिसर साहब ने अंडर सब सेक्शन 5 इस पार्टीशन का फैसला खुद करना है तो उसने ये स्टेप जो है फॉलोइंग स्टेप जो उस लिखे हुए सब सेक्शन 5 में उसने क्या करना है, ठीक है, कि जहाँ पे वेदर क्वेश्चन इज वन ऑफ हैज जो ज्यूरिस्डिक्शन का सवाल होगा कि क्या वो ज्यूरिस्डिक्शन ज्यूरिस्डिक्शन से मुराद कि क्या उसके पास इख्तियार है या नहीं है, कि वो इन तमाम बातों को सुन सकता है या नहीं सुन सकता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर उसके पास ज्यूरिस्डिक्शन है तो याद, अगर ज्यूरिस्डिक्शन है तो तब वो इसको सुनेगा, अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स तमाम वो स्टेप्स जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होते हैं, जो कि एक सिविल कोर्ट के पास दौरान ट्रायल होते हैं ना, याद रखिएगा एक सिविल कोर्ट के पास एक डिग्री या एक जजमेंट पास करने के लिए जितने भी इख्तियारात होते हैं ना बेटा, यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर के पास भी वो तमाम तरीके होंगे, समझ आ गई। पहले यानी कि जजमेंट देगा, फिर डिग्री पास करेगा, जैसे CPC में वो तमाम मेयर्स दिए हुए, ठीक है, उसके बाद बेटा अगर अपील फाइल करना चाहता है कोई शख्स क्या करना चाहता है, अपील फाइल करना चाहता है रिगार्डिंग द जजमेंट और ऑर्डर पास बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, तो अपील का प्रोसीजर भी वही होगा जो कि एक सिविल कोर्ट के फैसले और जजमेंट के खिलाफ होती है। ठीक है, जब उसकी अपील फाइल हो जाएगी, तो याद रखिएगा रेवेन्यू ऑफिसर अगर अपील में स्टे ग्रांट कर दिया गया तो रेवेन्यू ऑफिसर का जो वो फैसला है उस पर फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, उसको स्टे ग्रांट हो दिया जाएगा और उसको रोक दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा जो है अपेलेट डिग्री यहाँ पे जो पास करेगा, इसकी अपील हमेशा कहाँ पे होगी, हाई कोर्ट में होगी, तो ये था बेटा सेक्शन 141, ठीक है, जो कि मेरे पास तो ओमिटेड शो हो रहा था लेकिन अगर आपके पास है तो वो मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अब बेटा हर किसी को मैं कर रहा हूँ अनम्यूट और आपकी मैं ले रहा हूँ अटेंडेंस, ये स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ जी, और हर किसी को अलाउ कर रहा हूँ बेटा, अगर आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है ना जी तो जी बिस्मिल्लाह आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आप सबके पास ये ऑप्शन है, जी बिस्मिल्लाह आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये सर, यहाँ पे 141 जो सेक्शन है ना उसमें सिर्फ इतनी 2 लाइनों का ये सेक्शन है, इसमें लिखा है क्वेश्चन ऑफ टाइटल ऑफ होल्डिंग, इसमें आगे लिखा है इफ अ क्वेश्चन ऑफ अ टाइटल इन द होल्डिंग इज रेज्ड इन द पार्टीशन प्रोसीडिंग्स द रेवेन्यू ऑफिसर शैल इंक्वायर इनटू द सब्सटेंस ऑफ सच क्वेश्चन एंड डिसाइड द मैटर आफ्टर हियरिंग द पार्टी। सर सिर्फ इतना सा सेक्शन है 141। मैं बेटा वही तो कह रहा हूं ना कि ओमिटेड है, जो नई और पुरानी किताबें है ना इसमें आप ये डिटरमिन कर लो, ठीक है, तो उसमें
अपना भी शक चेक करना है तो कर लो, लेकिन मेरे पास तो जो बुक थी उसमें है ही ओमिटेड। मेरे पास तो पुरानी किताब थी, मैं तो उसमें से देख के तो पढ़ाना तो मैंने था। तो आप ये ना कहो कि सर जानबूझ के दो सेक्शन जो है वो छोड़ रहे हैं, ये तो क्लास में होता तो फिर तुम टैली कर लेते, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास है आपको मैंने बता दिया 141, तो इसका यही चैप्टर था, यानी कि 137 एक बार रिपीट करते हैं। 141 जो है वो एक सिविल कोर्ट, एक जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर है उसके पास, रेवेन्यू ऑफिसर के पास सिविल कोर्ट जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया इसको ओमिट किया। कौन सी को करना है बेटा? 137 से नोटिस ऑफ एप्लीकेशन बेटा। जी सर। हाँ तो बेटा पहली बात ये कि जब दरखास्त आप रेवेन्यू ऑफिसर को देते हो किस चीज़ की भला रिगार्डिंग द पार्टीशन, तो पहली बात उसने देखना है दो स्टैचूज मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। मैंने क्या बताए हैं स्टैचूज आपको बताए हैं कि जनाब अगर आपका जो एप्लीकेशन है पार्टीशन की उन मामलात में अगर नहीं आती, ठीक है, तो पार्टीशन होगी, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा दिन फिक्स कर देगा, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ हेयरिंग। समझ आ गई बेटा? उसके बाद हेयरिंग के साथ ही बेटा क्या करेगा, जो दिन फिक्स करेगा उस दिन पार्टीज को बुलाएगा और उनको क्या करेगा सुनेगा, ठीक है, समझ आ गई बेटा बात? अच्छा जी सर। अच्छा उसके बाद अगर कोई शेयरर है जो कि उसमें पार्टीशन में एप्लीकेशन में तो हिस्सेदार नहीं थे, लेकिन वो क्या थे, उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट था, ठीक है, लेकिन वो पार्टीशन की जो एप्लीकेशन थी उसमें फरीक नहीं थे, तो उनको यानी कि जिस शख्स का इंटरेस्ट जो होगा ना उसको बाई द वे ऑफ प्रोक्लेमेशन, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको इंटीमेट करेगा, ठीक है बेटा? जी सर। अच्छा उसके बाद मैंने ये कहा कि ये जो आपकी एप्लीकेशन है फॉर द पार्टीशन दैट शैल बी लाइकली ट्रीटेड एज अ प्लेंट, ठीक है, इसको हम एज अ प्लेंट यानी कि डील करेंगे, और इस रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये अख्तियार है कि उसको क्या कर सकता है, एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकते हैं। जी बेटा और जी जी, तो उसके ये है बेटा कि आपका कोई ना कोई अदालती फैसला जो है ना आ जाता है कि आपको वो कोर्ट डिक्लेयर कर देती है आपके हक में डिग्री पास कर देती है कि जनाब आप मालिक हो, ठीक है, पहली तो बात ये ना आपके रिकॉर्ड में है। दूसरी बात ये है कि जब आप बेटा किसी न किसी अंदाज से लेके आते हो, ठीक है, अदालत से आपने डिक्लेरेशन लेके आते हो या लोग आपको तो कहते हैं ये मालिक था इसकी प्रॉपर्टी थी, तो इन तीन लोगों के पास अख्तियार है कि वो एप्लीकेशन दे सकते हैं किस चीज की पार्टीशन की। सर लोग जिसकी गवाही देंगे उसका क्राइटेरिया क्या है कि कैसे मानी जाएगी कितने लोग हैं, ये भी काफी है। तीसरी बात ये कहता है कि जहां पे लोगों के ओपिनियन में हो कि ये मालिक था तो वो भी एप्लीकेशन दे सकता है डिस्प्यूट के लिए पार्टीशन के लिए, ठीक है सर। और बेटा बेटा कोई क्वेश्चन आपने पूछना है? अजान इनका स्क्रीन शूट लो और मुझे सेंड करो। अजान मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर मैं करता हूं सेंड। तो ये स्क्रीन शूट लेना इन सब का, आज मैं अटेंडेंस उनकी अपलोड करूं ना। बेटा और कोई क्वेश्चन आपने पूछना है? जी बाबर 470 सामने आ, बाबर 470। जी हाँ जी सर सामने आ जी। और ये फिजान सर, फिजान फिजान सामने जी सर, फिजान फिजान कौन से? एफ चौधरी फिजान। तो ये क्या बोंगी हमारे तो चैट में? अच्छा मैं सर बोल रहे नहीं। हाँ जी मैं तो सर चैट में बोल रही हूं। तो ये चैट किसने की हुई है सारी? सर वो 516 है मेरा रिपोर्ट से। अच्छा फिजान है सर जी। वो कौन है भला? ये इसमें कौन है सामने? फिजान कौन है? क्या फोन काटना था? फिजान मोहम्मद फिजान कौन है? मैं बोल रहा हूं फोन यार सर जी वो फिजान साहब का चैट था। तो फिजान सामने आ,
ये इस फैजान का रोल नंबर क्या है वाला, मैं चेक तो बता दे 500 इधर लिखा है मोहम्मद फैजान सर, इसका लिखा हुआ मेरा ख्याल 516 सर जी। चलो इसको मैं सही करता हूँ, फिर इसकी तबीयत में सही करता हूँ। उल्लू के पट्टे तो ये भी नहीं तबीयत, यहाँ पे लड़कियां भी हैं और तू बकवास कर रहा है ग्रुप में सामने, ये चैट हर किसी कुछ हो रही है, बदतमीज नहीं तो घर में बैठ के तू ये बकवास करता है। तेरी करता हूँ मैं तबीयत साफ, तो घबरा नहीं, ये मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया तेरी चैट तक। ये तू फिर तरले करते हो बेशर्म, फिर कहते हो सर गलती हो गई है अपनी, आखिर में फिर अपनी औकात में आ जाते हो। अभी क्या तू चौधरी बन गया, ये मैसेज लेके ये तो बात लेके कुछ मिल गया कुछ बेशर्म इंसान। अजान सेंड किया मुझे स्क्रीनशॉट? जी सर मैं कर रहा हूँ आपको सेंड। जैद आपने बनाया स्क्रीनशॉट इनका? जैद स्क्रीनशॉट बनाया इनका? कर दिया जी सर, मैंने सेंड कर दिया आपको।